तो आपने वही किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आप कुछ फरमाना चाहें? असल में आप लोगों को तो पता ही है कि 2018 में ये जो मलून है इसने एक कंपटीशन अनाउंस किया, और उस कंपटीशन में जो है ये जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेहुर्मती करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से लोग मज़ामत कर रहे थे, तो मुझे पता चला तो शोर बहुत था लेकिन सब मज़ामत मज़ामत मज़ामत। तो मैंने एक दिन देखा उठा उठा मैंने वीडियो निकाली, उसी वक्त मैंने वो बनाई और इसके सर की कीमत रख दी। जब इसके सर की कीमत रखी तो ये भागा, इसने फॉरेन सिक्योरिटी ली, वो कंपटीशन खत्म किया और ये रुपोश हो गया, गायब हो गया। 5 साल के बाद अब ये किसी कोई मुझे नहीं पता ये किस ओहदे पे लगा है, जैसी हुकूमत में आया तो उसने ये केस बनाया, केस चलाया, हमें कोई समझ नहीं आया। सही। किसी अदालत का किस कोई भी एम्बेसी कोई भी लेटर नहीं है, अगर देता तो जरूर जवाब देते। सही। बगैर किसी समन बगैर किसी लेटर के ये फैसला हुआ, पर मैं ऐसे फैसले को मानता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे कानून को ही नहीं मानता। रसूलुल्लाह की शान से बढ़ के कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, और इसके ना आगे कोई बात है ना इसके पीछे कोई बात है, यही हक है और ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए हर मुसलमान का। पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, मजम्मत चल रही है, बादशाह भी हैं सिपा सलार भी हैं, क्या मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए कि हर दफ़ा कोई ना कोई मलून आता है वो कुछ गुस्ताखी करता है और खामोश हो जाता है। अब उन्होंने अपना ही कानून बना लिया और वो सजाएं देंगे, पहले तो वो गुस्ताखी करते हैं उसके बाद वो कहते हैं जी हम सजा देंगे। तुम्हारी हिम्मत क्या है, तुम्हारी औकात क्या कि तुम सजा दोगे? ऐसी किसी सजा को किसी कानून को मैं नहीं मानता। और बात यह है कि 3 मिलियन इसके सर की कीमत रखी थी, और अब अगर ये कोई ऐसा काम करेगा तो अब जो मैं कीमत रखूंगा वो इसकी हवाएं भी उड़ा देंगी। अल्लाह, वो बात और थी अब बात और है। ये पीछे हटने को तैयार नहीं है, हम भी पीछे हटने को तैयार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। और मैं यही अभी जैसे आपने मुझे बताया पूरी वकला की टीम में, जब मैं उठा मेरे जहन में कुछ नहीं था, एक चीज थी कि ये गुस्ताखी कर रहा है। मैंने वो सोचा और उसके ऊपर मैंने ये पूरा उसका एक रिकॉर्ड किया वीडियो पे काम, और वो दे दिया मैंने। मैं उस पर आज भी कायम हूँ। लोग कह रहे हैं जी वो फेक है, वो फेक नहीं है, मैं ही हूँ, मैंने ही दिया है, और मैं उससे पीछे नहीं हूँ। सुहाना, इससे आगे तो जा सकता हूँ, उससे पीछे नहीं आ सकता, ये मेरा ईमान है। لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس ما شاء الله। आपके माँ को सलाम कि जिसने इतना पाकीजा दूध आपको पिलाया, आपकी बाप आपके बाप को सलाम कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत तरबियत, माँ बाप नेक हों फिर हुजूर की हों हुम्मत उस पर पहरा देना आ ही जाता है। इसके लिए माँ का नेक बाप का नेक होना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर।